श्रद्धा हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। महरौली के जंगलों में मिले श्रद्धा के शव के 10 टुकड़े। आरोपी आफताब को महरौली जंगल ले गई पुलिस। सिर की तलाश अभी भी जारी। श्रद्धा मर्डर केस में मंगलवार को भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा और आफताब अमीनपुला वाला 8 मई को दिल्ली आए थे। 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। हत्या से पहले वह जंगल के पास फ्लैट में शिफ्ट हो गया था ताकि लाश को आसानी से ठिकाने लगा सके। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब उसी फ्लैट में दूसरी लड़की लेकर आया था। आपको बताते हैं मर्डर केस के सारे बड़े अपडेट्स। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को लेकर दिल्ली पुलिस महरौली के जंगल गई है। आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े यहीं फेंके। अब तक 10 टुकड़े बरामद किए गए हैं और तलाश लगातार जारी है। श्रद्धा के सिर और कुछ टुकड़े बॉडी पार्ट्स की तलाश अभी भी जारी है। आफताब ने श्रद्धा का फोन भी फेंक दिया था। पुलिस ने कहा कि लास्ट लोकेशन के जरिए इसे हासिल किया जा सकता है। उस हथियार की तलाश है जिनसे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए आफताब के दोस्तों को भी बुलाया है। श्रद्धा के पिता ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि आफताब को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। आपको चौंका देंगे 4 नए खुलासे। आफताब श्रद्धा मुंबई से दिल्ली 8 मई को आए थे। यहाँ वह पहले पहाड़गंज के एक होटल में रुके, फिर साउथ दिल्ली में एक साथ रहने लगे। साउथ दिल्ली के बाद महरौली के जंगल के पास उन्होंने एक फ्लैट लिया। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। जंगल के पास फ्लैट दिखाने वाला अरेस्ट। मर्डर केस में बद्री नाम के एक शख्स की एंट्री हुई है। यह वही शख्स है जिसने आफताब को महरौली इलाके में फ्लैट दिलाया था। पुलिस अब इससे पूछताछ में जुटी हुई है। इसी फ्लैट से आफताब शव के टुकड़े फेंकने के लिए जंगल जाया करता था। सोशल मीडिया पर एक्टिव था आरोपी आफताब। उनके फ्लैट पर लड़कियां भी आया जाया करती थी। पुलिस ने बताया कि आफताब ने श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट जून तक इस्तेमाल किया है ताकि वह जाहिर कर सके कि श्रद्धा भी जिंदा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब उसी फ्लैट में रहा। शव के टुकड़े ठिकाने लगाने के बाद उसने फ्लैट में लड़कियां बुलाई। इस दौरान जो टुकड़े बचे थे उन्हें अलमारी में छिपा दिया। दावा है कि हत्या के एक महीने बाद डेटिंग ऐप के जरिए आफताब ने दूसरी लड़की से संपर्क साधा और उस फ्लैट में लेकर आया। आखिर में कबूल किया, आई किल हर। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आफताब से कत्ल के बारे में जो भी पूछा जाता है वह उसके बारे में अंग्रेजी में जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदी नहीं आती, पर वो अंग्रेजी में ज्यादा कम्फर्टेबल है। उसने कबूल किया, आई किल हर। श्रद्धा मर्डर केस में अब सवाल यह है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। इस सवाल की वजह के दो बड़े दावे हैं। पहला दावा पुलिस का है जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ है। दूसरा दावा दोस्त लक्ष्मण नडार का है जो कह रहा है कि जुलाई में। तो उसकी श्रद्धा से बातचीत कब हुई थी? लक्ष्मण ने दावा करते हुए सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कॉन्टेक्ट भी किया था। तब श्रद्धा काफी डरी हुई थी। तब उसने कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफताब मुझे मार डालेगा। मर्डर के लिए आफताब ने काफी क्राइम शो देखे, गुनाह छुपाने के लिए गूगल सर्च की। आफताब ने पहले वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो टेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शो देखे थे। सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का तरीका भी ढूंढा था। इसके बाद ही उसने श्रद्धा का मर्डर किया और आरी से काट कर उसकी बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए। छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया, किसी वजह से लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था, तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये बंद फोन में बंद है, तो हमने सब ये जो बातें हैं हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर है, सी पी सर है, डी सी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है। लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है और फोन भी बंद है, और वो जुरिडिक्शन हिसाब से श्योरली को कहीं रहता था क्या नहीं रहता वो भी जरूरी था। वो हिसाब से फिर हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये मिसिंग ट्रांसफर करना जरूरी है, साथ ही साथ हकीकत में दिल्ली रहता है नहीं रहता है वो भी डिटेल्स जरूरी है। थोड़ा वो डिटेल हमारे पास आया था एनालिसिस के हिसाब से कि वो उसका लोकेशन वहाँ का था दिल्ली का, तो हमारे सानप साहब और उनका टीम ये सब पूरा पेपर हमने उधर भेज दिया। इनिशियल जाके उन्होंने वो वापस उनका एक बार एनालिसिस किया उसका मोबाइल का, तो उधर का लोकेशन था, एरिया डिमार्केट किया बराबर, वहाँ का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया तो उधर रहता था वो भी मालूमत किया। फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे उनके जाके उन्होंने सब डिटेल्स ब्रीफिंग किया वो सीनियर ऑफिसर से, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा सब मैटर है और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। तो हिसाब से वो सीनियर ऑफिसर वहाँ के उन्होंने भी उसका
कॉग्निजेंट और टीम में जब उनको ये फाइल में उनको लेके उधर जो लोकल पुलिस स्टेशन है मेहरोला पुलिस स्टेशन वहाँ उनको भेज दिया। वहाँ हमारे साहब ने उधर भी ब्रीफिंग किया और वहाँ का ऑफिसर लोकल टीम, यहाँ का हमारा स्पेशल ऑफिसर, हमारा टीम, ये ज्वाइंट उन्होंने जाके एड्रेस वेरीफाई किया। वहाँ पे वो जो बेटा अफ्ताब पुनावाला था उसको लाया पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी उसका इंक्वायरी किया और जो भी डिटेल्स है वो साहब ने उधर ज्वाइंटली किया। और वो मालूम पड़ा कि उन्होंने उसका कहीं ना कहीं उसका जाके उधर, सर ये मर्डर इसने क्यों किया और कब किया था? अभी डिटेल्स मर्डर कभी किया और कैसा किया कि किधर किया ये हम नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन अभी है वो दिल्ली पुलिस कर रहा है। पिताजी का FIR दाखिल किया उन्होंने, उसका ये किया, लेकिन ये पक्का है कि मई 2022 से कहीं ना कहीं ये बीच में जो टाइम गया वो मोबाइल उसका बंद है, फेसबुक बंद है, बैंक का अकाउंट सब ट्रांजेक्शन क्लोज है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए देशद न्यूज़। धन्यवाद।